तो यार यार तुमने थंबनेल और टाइटल में तो देख लिया होगा, तो यार सीधा शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो यार जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है कि यार तुम्हें नॉर्मल सेटिंग्स में नहीं खेलना, तुम्हें क्लॉक की सेटिंग्स में खेलना। अब तुम मुझसे पूछो कि यार क्लॉक क्या होता है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख ही रहे होगे यार इस चीज़ को क्लॉक बोलते हैं। और अगर तुम्हें इस चीज़ की कंट्रोल की, जैसे इस चीज़ की मैपिंग चाहिए, तो तुम्हें सेटिंग्स में जाके, कंट्रोल्स में जाके बस कस्टमाइज़ करना है, और तुम अपने हिसाब से सारे जो बटन हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो, और जिससे तुम एम, फायर और स्कोप अपनी एनिमी पे एक ही टाइम पे कर पाओ, जो तुम्हें एक अच्छा प्लेयर बनाने में भी हेल्प करेगी। यार जो हमारी अगली जो टिप है उसके अंदर तुम्हें क्या है, ये पीक और फायर मोड की होती है। अब तुम्हें तो पता ही होगा यार पीक और फायर मोड क्या होता है, और यार जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि ये तुम सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हो। तुम्हें बस सेटिंग्स में जाना और वहाँ पे बेसिक में ही ये तुम्हें सामने मिल जाएगा, तो तुम वहाँ पे पीक और फायर मोड इनेबल कर सकते हो। तो यार अगली जो टिप है वो भी सेटिंग से रिलेटेड ही है। दरअसल ये टिप है क्विक स्कोप चेंज के ऊपर। तुम मुझसे पूछोगे क्विक स्कोप चेंज क्या होता है, यार मैं तुमको बता दूं, इससे तुम अपने स्कोप्स ऐसे 2 सेकंड में चेंज कर सकते हो। और यार ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि क्विक स्कोप चेंज क्या होता है। दरअसल जैसे समझ लो तुम्हारा M146 है और तो उसके ऊपर 6x लगा हुआ है, और तुम्हारे सामने एनिमी, मतलब तुम्हारे घर के सामने ही एनिमी है। अब तुम स्कोप चेंज करने से डरोगे, तो यार तुम क्या कर सकते हो, बस उस क्विक स्कोप से ना एक तुम्हें साइड में एक छोटा सा बटन मिल जाएगा स्कोप का, अगर तुम उसको दबाओगे ना तो वहाँ पे स्कोप्स आ जाएंगे जो भी तुम्हारे पास होंगे, तुम वहीं से स्कोप चेंज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है। तो यार ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि FPS कितना बड़ा रोल प्ले करता है यार तुम्हारी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में। दरअसल वो होते हैं तुम्हारे फ्रेम्स पर सेकंड, जो कि तुम्हारी जितना तुम्हारा हाई होगा ना फ्रेम्स, तुम उतने स्मूथ गेम्स खेल सकोगे। तो यार जो मैक्सिमम फ्रेम्स जो बाकी गेमर्स रेकमेंड करते हैं वो है 60 या फिर उससे ऊपर, नहीं तो उससे नीचे नहीं। अगर तुम्हें इन फ्रेम्स को चाहिए तो तुम्हें क्या करना, अगर तुम देखते हो तुम्हारी गेम कहीं पर भी थोड़ी सी भी लैग करती है ना, तो तुम अपनी सेटिंग्स को ना, जो ग्राफिक्स की सेटिंग है ना, उनको थोड़ी नीचे करके देखो। अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है जैसे 3 GB का या फिर 2.5 GB का, तो तुम GFX टूल डाउनलोड कर सकते हो, जो कि तुम्हारे ग्राफिक्स और थोड़ा डाउन कर देगा और तुम्हें 60 FPS पक्का ही देगा। यार हमारी अगली टिप है कि कुक नेट्स। अब ज़्यादातर प्लेयर्स क्या करते हैं कि नेट देखती, बस बंदे को देखती, नेट फेंक देते हैं अगर वो उससे दूर होता है। तो यार तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, तुम दरअसल उसको एक भागने का टाइम दे रहे हो कि वो भाग सकते हैं। देखो जैसे तुम नेट करोगे ना, तुम्हारे पास जैसे ही तुम्हारे पास 3 या 2 सेकेंड्स होंगे ना, तुम उसके ऊपर नेट फेंक दो, और जैसे ही वो उस बंदे को हिट करेगा ना, वो वैसे ही फट जाएगा। ये दरअसल तुम्हारी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बंदा कितनी दूर है और तुम उसको कैसे फेंकते हो। तो यार हमारी अगली टिप लास्ट सर्कल वाले बंदों के लिए, जो हर बारी लास्ट सर्कल में पहुंच के मर जाते हैं। तो यार तुम्हें पहले क्या करना, तुम्हें तो पहले सबसे पहले अपनी हेल्थ फुल करनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम्हें जो अपना बूस्ट, जो तुम्हारा बूस्ट मीटर होता है ना, उसको एकदम फुल कर देना है। तुम ध्यान रखो जो तुम्हारे जो स्कोप्स है वो तुम्हारे, मतलब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सेट है कि नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी गन्स को ना रिलोड करके रखो, अगर तुम्हारी एक गन की एमो जो है ख़त्म भी हो जाती है, ताकि तुम दूसरी गन यूज़ कर सको, एक ही वार में तुम अपने एनिमी को ख़त्म कर दो। तो यह हमारी अगली टिप उन बंदों के लिए जिनकी गाड़ी हर वक्त टर्न हो जाती है, जो जैसे मोड काटते हैं वैसे नहीं करते। तो यार इसमें तुम क्या करते हो कि तुम बूस्ट वाले बटन को दबा के रखते हो, कि तुम्हें क्या करना है, जिसका बूस्ट वाला बटन है ना, तुम्हें उसको छोड़ देना है टर्निंग के वक्त, जो कि तुम्हारी हैंडलिंग में थोड़ी सी मदद करेगा। जाते तुम थोड़ी ब्रेक मारो फिर टर्न करो, जाते तुम बूस्ट छोड़ के टर्न मारो, जो कि तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो यार हमारी अगली टिप भी उन ड्राइवर्स के लिए ही है। दरअसल जैसे तुमसे एरो से अच्छी तरीके से मोड नहीं करते, तो तुम सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करके जो स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का, तुम वैसे रख सकते हो, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम और भी अच्छे मोड काट पाओ। तो यार ये टिप उन बंदों के लिए जो मतलब अपने स्प्रे पैटर्न पे जिनको भरोसा नहीं है, या फिर वो कम कंट्रोल कर पाते हैं रिकॉइल, तो तुम यार ऐसे में क्या करो कि तुम तो पहले क्राउच करो, फिर पीक करो, फिर उसके बाद फायर करो। अगर यार तुम क्लोज बैटल कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारे पास जैसे एक ही एम है, तो वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होती है, तो तुम क्या कर सकते हो, क्राउच करके फिर फायर कर सकते हो, जो कि तुम्हारी जो रिकॉइल है उसको कम कर देता है। अगर तुम पीक करके फायर करोगे तब तो भाई रिकॉइल मतलब ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो जाएगी। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो यार तुम अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगली वीडियो किस पर आएगी। अगर मैंने तुम्हारे कमेंट नोटिस किए तो मैं तुम्हें रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। मेरी मम्मी को लगे ममता, दिखाई तेरी फोटो वो बोली ओहो, मैंने पूछा आपको तो नहीं है तेरा, तेरी मेरी जोड़ी पे होने विश्वास, बस मुझे तू ना करना।